हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.14 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 4 से लेकर 8 तक। ये हमारा कैटेगरी 2 में है सारा सवाल। और कैटेगरी 2 में जो हमें सवाल मिलने वाला है वो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, तीन फॉर्म ये हमें मिलने वाला है। पहला क्या है कि सवाल p sin x plus q cos x डिवाइडेड बाय a sin x plus b cos x के फॉर्म में हो सकता है, जहां पर a b p q क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा sin x बाय a cos x plus b sin x के फॉर्म में हो सकता है, या फिर तीसरा cos x बाय a cos x plus b sin x के फॉर्म में रह सकता है। तो हम पहचान तो लेंगे कि अच्छा चलो भैया इस फॉर्म पे रहेगा, ठीक है, लेकिन बनाएंगे कैसे? तो उसका वर्किंग रूल है कि हम बनाएंगे लेट न्यूमरेटर इक्वल टू, ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है। तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू क्या करेंगे, कैपिटल ए ब्रैकेट डेनोमिनेटर, जो डेनोमिनेटर है उसको लिखेंगे, प्लस बी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, इस डिनोमिनेटर का, मतलब इस फॉर्मेट पे लिख लो, जो न्यूमरेटर है उसको लिखना है, फिर इक्वल टू ए जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लोगे, फिर प्लस बी जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन कर लोगे। अब ए को मल्टीप्लाई करो, बी को मल्टीप्लाई करो, अभी जब सवाल बनाएंगे ना वो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर हम लोग कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक सवाल बढ़िया ढंग से सीखो, सारा सवाल बन जाएगा, लेकिन हम तो सारा सवाल तो बना ही देते हैं, फिर भी समझ में आ जाएगा। देखो हमारा हो गया ना cos x by a sin x plus b cos x, फॉर्मेट तो मिल गया है। अब इसको बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x by sin x और प्लस cos x dx। बनाते कैसे हैं, वर्किंग रूल क्या है इसका, करना होता है लेट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन है, कॉस एक्स, लिख दे पूरा क्या एक बार, ऐसे ऐसे हम लोग देखें यार, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। इसको लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है, कॉस एक्स है इक्वल टू ए, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, प्लस बी डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस का क्या हो जाता है, साइन एक्स। अब ए और बी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए साइन एक्स और प्लस ए कॉस एक्स, फिर प्लस बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, होगा कि नहीं। हमें इस फॉर्मेट पर सेट करने के बाद ए और बी का वैल्यू निकालना है, वो निकालेंगे कैसे, कंपेयर करके। और कंपेयर कैसे करना है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, कॉस एक्स इक्वल टू, अब साइन वाला को एक साथ रखो, साइन देखो कहां है, ए है और माइनस बी है, ए माइनस बी साइन एक्स, कॉस वाला एक साथ रखो, कॉस देखो ए है प्लस बी है, ए प्लस बी और फिर कॉस एक्स। अब क्या करना है, कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा, a माइनस बी का वैल्यू आएगा 0 के बराबर, क्योंकि इधर साइन नहीं है, उसको मान लो इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर इधर आते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग a माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर,
ए माइनस बी का वैल्यू, इधर साइन का कुछ कोफिशियंट नहीं है तो किसके बराबर, जीरो के बराबर, हो गया इक्वेशन नंबर टू। और ए प्लस बी इधर कॉस है और कॉस का कोफिशियंट कितना है, वन है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। अब सॉल्व करते हैं दोनों को, ऐड कर देते हैं, ए एक टू ए हो गया और इधर वन हो गया, ए का वैल्यू कितना मिल गया, वन बाय टू। अब ए का वैल्यू किसी इक्वेशन पे रख देते हैं, चलो रखते हैं इक्वेशन टू पर, पुट ए इन टू, वन बाय टू माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो इधर जाएगा माइनस बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू, बी का वैल्यू कितना आएगा, वन बाय टू, बी का भी वैल्यू कितना आ गया, वन बाय टू, ए निकल गया बी निकल गया। समझ में आ रहा है ना, किस कैटेगरी टू में हमें क्या करना है कि लेट न्यूमेरेटर इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दो, साइन को अलग रखो और कॉस वाले को कोफिशिएंट को अलग रखो, कंपेयर करो और यहां से ए और बी का वैल्यू निकाल लेना है। अब क्या करना है, जब ए भी निकल गया बी भी निकल गया, तब हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, हम लोग सीधा चले जाएंगे सवाल पे। कहाँ चले जाएंगे, सवाल पे, इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधा सवाल पे जाएंगे और यहां पर लिख लेना है नाउ इंटीग्रेशन। अब कुछ इस ढंग से हम लोग लिखने वाले हैं, ऊपर क्या था सवाल में, cos x था, तो cos x के स्थान पे ये वाला चीज लिख लेना है क्योंकि cos x इसके बराबर है दोस्त, a sin x प्लस cos x और प्लस b cos x माइनस sin x और डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ हम लोग सवाल में जो cos x न्यूमरेटर था उस न्यूमरेटर के स्थान पे ये वाला चीज रख लेंगे। अब a का वैल्यू कितना आया है, 1 बाई टू, b का वैल्यू कितना आया है, 1 बाई टू, रख दो, इक्वल टू, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन भी बना लेना है, ये बात ध्यान रखना, a का वैल्यू कितना था, 1 बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर, अलग अलग इंटीग्रेशन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, बी का भी वैल्यू कितना आया था, वन बाई टू, अलग अलग इंटीग्रेशन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर डीएक्स। देखो दोनों सेम चीज है, ये तो कैंसिल हो गया और कितना बचाएगा, 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और प्लस 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर डी एक्स। और जब तुम इस मेथड से बनाओगे तो फर्स्ट पार्ट हमेशा तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हमेशा कैंसिल हो जाएगा इस मेथड से अगर बना रहे हैं तो, और सेकेंड पार्ट 19.8 के जैसा हो जाएगा कि किसी एक का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट रहेगा। यहां देखो sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस sin x, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, z पुट करते हैं, इसको क्या पुट कर देंगे, z पुट z इक्वल टू sin x प्लस cos x, अब पुट z के अंदर इसको डिफरेंशिएट भी करना होगा, देन dz बाय dx इक्वल टू sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा sin x, तो dz किसके बराबर हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स और फिर dx के बराबर। अब देखो दोबारा से यहां आते हैं हम लोग, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो बना लिया x बाई टू, फिर प्लस वन बाई टू, cos x माइनस साइन एक्स dx के बदले में क्या लिखेंगे, dz, काफी सिंपल है ये जो कैटेगरी टू है, काफी सिंपल है, यहां पर क्या हो जाएगा, z। अब 1 by z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod z, x by 2 प्लस 1 by 2 log mod z और प्लस c, z को क्या लिए हुए थे, z हमारा यहां पर है, z है sin x प्लस cos x, log mod sin x प्लस cos x और प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट।
नेक्स्ट सवाल है cos x बाय टू साइन एक्स प्लस थ्री cos x, यहां भी उसी ढंग से हम लोग करने वाले हैं कि लेट न्यूमरेटर इक्वल टू पहले हम लोग करेंगे। सवाल लिखते हैं cos x डिवाइडेड बाय टू साइन x प्लस थ्री cos x और फिर 3x। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू, और न्यूमरेटर है cos x इक्वल टू ए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस बी डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, आएगा टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू निकालना है, इसलिए ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं cos x इक्वल टू 2a sin x प्लस 3a cos x प्लस 2b cos x माइनस 3b sin x। अब sin वाला एक साथ cos वाला एक साथ, cos x इक्वल टू साइन, देखो यहाँ पे 2a है और साइन कहाँ है यहाँ पे माइनस 3b माइनस थ्री बी और फिर साइन एक्स फिर प्लस कॉस वाला, देखिए कॉस यहाँ पे है थ्री ए और प्लस टू बी, साइन वाला टू ए माइनस थ्री बी, कॉस वाला थ्री ए प्लस टू बी और फिर कॉस एक्स। अब कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b ये किसके बराबर, साइन यहाँ है, इधर तो साइन है नहीं और नहीं है जीरो, 3a प्लस 2b कॉस है और इधर कॉस है और इसका कोफिशिएंट कितना है वन है, तो वन हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड और इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहां से ए और बी का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहां पे वेरिएबल मैच करते हैं बी को, तो सेकंड को टू से मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड को थ्री से, तो फिर क्या आने वाला है इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए और माइनस में सिक्स बी, फोर ए माइनस सिक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, 4a माइनस 6b और फिर कितना हो जाएगा 9a और फिर प्लस में 6b इक्वल टू 3 कैंसल हो जाएगा और 13a 9 और 4 कितना होगा 13a इक्वल टू 3, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/13। अब a का वैल्यू रख देते हैं किसी भी इक्वेशन पर, चलो रख देते हैं इक्वेशन 2 पर, पुट a इन इक्वेशन 2 इंटू थ्री बाय थर्टीन, टू इंटू थ्री बाय थर्टीन और फिर माइनस थ्री बी इक्वल टू जीरो, तीन दुना 6/13 माइनस थ्री बी इक्वल टू जीरो, 6/13 इक्वल टू थ्री बी, तीन दुना 6, तो b का वैल्यू कितना मिल गया, b का वैल्यू हो गया 2/13, ए का वैल्यू 3/13 और बी का वैल्यू 2/13। अब ए और बी जब निकल गया है तो हमें जाना है सवाल पे, और जो cos x है उसके स्थान पे ये पूरा चीज को रख देना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो रखते हैं, आएंगे फ्रॉम इक्वेशन वन पर, फ्रॉम इक्वेशन वन, और इक्वेशन वन में आई हमारा परिवर्तन हो जाएगा और इस कॉस एक्स के स्थान पर रखेंगे ए टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, ए टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स है ना, और प्लस बी टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स,
और डिवाइडेड बाय, नीचे तो कोई परिवर्तन रहेगा नहीं, ये आपका हो जाएगा 2 साइन x प्लस 3 कॉस x और फिर dx। अब a का वैल्यू 3 बाय 13 है और b का वैल्यू 2 बाय 13 है। यहाँ आने के बाद हम लोग दो अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं इसको। एक बार ये वाला होगा, a का वैल्यू कितना था, 3 बाय 13 था ना, क्या था भैया, a का वैल्यू 3 बाय 13 है, सही है, a का वैल्यू कांस्टेंट 3 बाय 13 बाहर, और फिर क्या हो जाएगा 2 साइन x प्लस 3 कॉस x डिवाइडेड बाय 2 साइन x प्लस 3 कॉस x और dx। अब b वाला भी अलग अलग डिवाइड करना है, एक इधर से एक इधर भी डिवाइड होगा, b का वैल्यू कितना था 2 बाय 13 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस x माइनस 3 साइन x डिवाइडेड बाय 2 साइन x और प्लस 3 कॉस x dx। अब ये तो हम लोग जान रहे हैं कि इस कैटेगरी में जो भी सवाल इस मेथड से बन रहा है ये फर्स्ट वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है, सेम सेम हो जाता है। अब सेकेंड वाला कैसे बनता है, 19.8 के जैसा, इक्वल टू 3 बाय 13, यहाँ सिर्फ dx बचा है, और 2 बाय 13 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 3 cos x dx। तो इसका डिफरेंशिएशन ये चीज होता है, इसीलिए हम इसको z पुट करेंगे, पुट z इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, देन dz बाय dx इक्वल टू, ये आपका हो गया 2 cos x और माइनस 3 sin x। तो dz किसके बराबर, 2 cos x माइनस 3 sin x और फिर dx। तो फिर से आगे आते हैं, dx का इंटीग्रेशन x होता है, 3 बाय 13 x प्लस 2 बाय 13 कॉन्स्टेंट बाहर, ये पूरा यहाँ किसके बराबर होता है, dz, और नीचे जो हम लोग 2 sin x प्लस 3 cos x ले किसके बराबर है, z के बराबर, यहाँ z हो गया। 1 बाय z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod z हो जाएगा प्लस 2 बाय 13 log mod z प्लस c इक्वल टू 3x बाय 13 प्लस 2 बाय 13 log mod z का वैल्यू कितना है, 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। सवाल नंबर 6, dx by 1 plus 10x, तो यहाँ तो वो फॉर्मेट है नहीं, ये sin x plus b cos x वाला फॉर्मेट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है, देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1 plus क्या है, 10x है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, dx by 1 by 1 और 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x by cos x। अब इसको LCM कर लेते हैं, dx by LCM आएगा cos x, फिर क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x, अब cos कहाँ जाएगा, ऊपर, cos x by cos x प्लस sin x को हम लोग लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x कुछ भी लिखो वही सेम चीज है, sin x प्लस cos x और फिर dx, हो गया फॉर्मेट, cos x by sin x प्लस cos x। तो बनाते कैसे हम लोग, सबसे पहले लेते हैं न्यूमेरेटर, और न्यूमेरेटर क्या है, cos x है, लेट cos x a डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है, sin x प्लस cos x है, sin x प्लस cos x, फिर प्लस b डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब sin का हो जाएगा cos x माइनस sin x,
यहां कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, वो निकलेगा कैसे, कंपेयर करके। कॉस एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए साइन एक्स और प्लस ए कॉस एक्स, फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे बी कॉस एक्स और माइनस बी साइन एक्स। अब साइन वाला एक साथ कॉस वाला एक साथ, कॉस एक्स इक्वल टू ए और साइन यहां भी है माइनस बी और फिर साइन एक्स, कॉस वाला ए प्लस बी कॉस एक्स। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे तो दो इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर यहां ए माइनस बी का वैल्यू साइन का कोफिशियंट है और इधर साइन है नहीं तो जीरो हो गया, और इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन मानते हैं, इक्वेशन वन मानते हैं ना, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर टू। और ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू कॉस का कोफिशियंट कितना है वन, वन के बराबर थ्री, दोनों को ऐड कर देंगे बी बी कैंसल, टू ए किसके बराबर वन के बराबर, ए का वैल्यू किसके बराबर वन बाई टू। ए का वैल्यू रख दो कहाँ पे, इक्वेशन टू पर, पुट ए इन टू, ए का वैल्यू वन बाई टू माइनस बी इक्वल टू जीरो, वन बाई टू इक्वल टू क्या हो गया बी, तो बी का भी वैल्यू क्या मिल गया वन बाई टू। और जब ए और बी मिल जाता है तो हमें कहाँ आना पड़ता है, सवाल में, और वो सवाल हमें यहाँ से प्रयोग करना है, आप देख लो यहाँ से, क्योंकि हम तोड़े कहाँ से है, यहाँ से तोड़े ना, यहाँ पे आना है, ए का वैल्यू वन बाई टू और बी का वैल्यू वन बाई टू है। From equation one, तो सवाल यहां से स्टार्ट होगा, I इक्वल cos x के स्थान पे हम लोग क्या लिखे हुए थे, A डिनोमिनेटर मतलब sin x प्लस cos x, इक्वेशन टू में यही ना आ रहे, प्लस B डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर cos x माइनस sin x, और डिवाइडेड बाय ये आपका sin x प्लस cos x तो रहेगा ही, और फिर dx। अब इस इतना दूर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दो इंटीग्रेशन लेते हैं, अलग अलग दो इंटीग्रेशन लेते हैं, अलग अलग दो इंटीग्रेशन लेंगे तो a का वैल्यू आया है 1 बाई टू, आपका हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कॉस x dx, और b वाला के साथ अलग लिखेंगे तो b का भी वैल्यू आया 1 बाई टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। फर्स्ट वाला पार्ट तो मैच कर जाता है इसलिए कैंसिल हो जाएगा वन बाई टू और बच जाएगा डी एक्स, और सेकेंड वाला पार्ट जो है वो 19.8 के जैसा बनता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर डी एक्स। इसको जेड पुट करो, पुट जेड इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो डी जेड किसके बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और फिर डी एक्स के बराबर इक्वल टू वन बाई टू, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना एक्स वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर, इसके बदले में क्या लिखेंगे डी जेड और डी जेड बाई जेड। तो सारा सवाल तो एक ही जैसा बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं इस कैटेगरी पर, वन बाई टू वन बाई जेड का लॉग मॉड जेड और प्लस सी एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू लॉग मॉड जेड, जेड किसके बराबर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बराबर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, ये आंसर हो गया। सिक्स वाला के जैसा ही सेवन है, वन प्लस कॉटेक्स है, इस बार हम लोग कॉसेक्स बाय साइन एक्स लिखेंगे, सेम सवाल है हल्का सा डिफरेंट है, इसको खुद से बनाइए।
एट का फर्स्ट, ये तो फॉर्मेट में पहले से सेट है, जो तीन फॉर्मेट हम लोग लिए हुए थे। पहला वाला फॉर्मेट है p sin x plus q cos x डिवाइडेड बाय a sin x plus b cos x वाला, इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus 2 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x plus cos x dx। क्या करेंगे हम लोग पहले, sin x plus 2 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x plus cos x, लेट न्यूमेरेटर, और न्यूमेरेटर क्या है, sin x plus 2 cos x है, इक्वल टू a। डिनोमिनेटर वो क्या है, 2 sin x plus cos x plus b, dc ऑफ डिनोमिनेटर मतलब इसका डिफरेंशिएशन, 2 cos x और माइनस sin x, cos x माइनस sin x, sin x plus 2 cos x इक्वल a के साथ मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 2a sin x प्लस ए कॉस एक्स प्लस टू बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, कुछ इस ढंग से आएगा, है ना, सही कर रहे हैं ना, साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स मल्टीप्लाई किया, टू ए साइन एक्स, ए कॉस एक्स, टू बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स इक्वल टू साइन वाला, देखो यहां पे है 2a माइनस बी साइन एक्स, ए प्लस टू बी कॉस एक्स, अब कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इक्वल टू साइन, और साइन का कोएफिशिएंट कितना, 1, ये तो हमारा इक्वेशन 1 बनता है यहां पे, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, और a प्लस टू बी ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो cos 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 का कोएफिशिएंट कितना, 2 के बराबर, इक्वेशन 3। अब हमें a और b का वैल्यू निकालना है, b को मैच कराते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से, और फिर आ जाते हैं इधर 4a माइनस टू बी इक्वल टू 2, और फिर a प्लस टू बी इक्वल टू 2, b कैंसिल हो जाएगा, 5a बचेगा, 5a इक्वल टू 4, a का वैल्यू 4 बाय 5। अब a को रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पर, पुट a इन 1, 2 इंटू 4 बाय 5, 2 इंटू 4 बाय 5 माइनस बी इक्वल टू 1, तो चौका 8/5 माइनस बी इक्वल टू 1, माइनस बी इक्वल टू 1 माइनस 8/5, 1 माइनस 8/5 माइनस बी इक्वल टू, एलसीएम करेंगे यहां पे 5 आएगा, और 5 माइनस कितना हो जाएगा 8, माइनस बी इक्वल टू माइनस 3/5, माइनस माइनस कैंसल, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, 3/5 आएगा, ए कितना निकला हुआ है 4/5, और बी कितना निकला हुआ है 3/5। अब हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 का सहारा लेकर हम लोग सवाल पे आएंगे, और इस जो तुम्हारा साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स है इसके स्थान पे ये चीज को रखने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं नहीं इक्वेशन 1 हम लोग काम आना, ये तो हमारे पास डायरेक्ट सवाल है। नाउ इंटीग्रेशन i इक्वल टू जो साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स जो सवाल में है उसके स्थान पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, a 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस b 2 cos x माइनस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय हमारा 2 sin x प्लस cos x नीचे हो जाएगा,
टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ए का वैल्यू 4/5 और बी का वैल्यू 3/5 रख लेते हैं और अलग अलग कर लेते हैं। ए का वैल्यू 4/5, अलग इंटीग्रेशन इसको बना लेंगे, टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और फिर डी एक्स। बी का वैल्यू कितना था, 3/5 टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है और इधर 19.8 के जैसा बनता है। 4/5 डी एक्स प्लस 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन ये चीज़ होता है, इसीलिए हम लोग पुट जेड इक्वल टू क्या करेंगे, टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करेंगे। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डी जेड किसके बराबर, टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और फिर डी एक्स के बराबर। नाउ अब हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन होगा डी एक्स का, एक्स हो जाएगा 4/5 एक्स और प्लस सेकेंड वाले पोर्शन पे 3/5 बाहर था ना, प्लस 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा हो गया डी जेड और नीचे हो गया जेड, 4x/5 प्लस 3/5 लॉग मोड जेड और प्लस सी, 4x/5 प्लस 3/5 लॉग मोड जेड का वैल्यू क्या है, 2 sin x प्लस cos x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। ये आंसर हो, अब 8 का सेकंड साइन एक्स बाय 3 sin x प्लस 5 cos x। अब इतना सारा सवाल बना दिया, सारा तो एक ही जैसा बनिए रहा है, फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो जाता है, सेकंड पार्ट 19.8 के जैसा बनता है। लेट न्यूमेरेटर इक्वल टू इसको इक्वल टू ए, डिनोमिनेटर प्लस बी इसका डिफरेंशिएशन। खुद से बनाइए एक सवाल, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, love you all।